गोवा पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत समुद्र किनारे और मशहूर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक राज किया, इसी कारण यहाँ पुर्तगाली कल्चर और आर्किटेक्चर देखने को अधिक मिलता है। आइए आज की इस वीडियो में गोवा के टॉप 10 बेस्ट जगहों के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, दोनापोला। दोनापोला पंजिम का एक पर्यटन स्थल है जहां पूर्व में बस्ती हुआ करती थी। आज के समय में ये समुद्री विज्ञान केंद्र गोवा यूनिवर्सिटी और गोवा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का स्थल है। साथ में यहाँ पर कई होटल भी मौजूद हैं। नंबर 9, रईस मागोस किला। रईस मागोस एक पुर्तगाली नाम है जिसका अर्थ है तीन बुद्धिमान लोग। रईस मागोस दरअसल एक गांव है जहां की मुख्य इमारतें एक किला और एक चर्च है। इस किले का निर्माण 1551 में हुआ था और ये किला बीते दौर में अंग्रेजी वॉयसराय व अन्य राजकीय हस्तियों के ठहरने का ठिकाना हुआ करता था। नंबर 8, शांता दुर्गा मंदिर। गोवा के काबलम गांव में मौजूद ये मंदिर विष्णु और शिवा के बीच मध्यस्थता कराने वाली देवी शांता दुर्गा को समर्पित है। शांता दुर्गा देवी की गौण सरस्वत ब्राह्मण समाज में बहुत मान्यता है। नंबर 7, डेल्टिन रॉयल कैसीनो। डेल्टिन रॉयल गोवा की मंडोवी नदी में पानी पर तैरता एक जहाज है। इस 5 मंजिला जहाज में काफी बड़ा कैसीनो है जहां पर्यटक अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस कैसीनो में ब्लैक जैक और रमी जैसे खेलों के 123 टेबल मौजूद हैं। यहां की टिकट काफी महंगी होने की वजह से यहां नामी ग्रामी लोग अक्सर देखे जाते हैं। नंबर 6, अगुवाड़ा किला। 1612 में बनकर तैयार हुआ ये किला डच और मराठा साम्राज्य के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यूरोप से आने वाले जहाज यहाँ से होकर गुजरते थे। इस किले के अंदर एक साफ पानी का स्रोत था जहाँ यहाँ से गुजरने वालों का कार्यदल पानी भरा करता था। अगवाड़ा को पानी कहते हैं जिसकी वजह से इस जगह का नाम स्थापित हुआ। नंबर 5, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च। ये चर्च गोवा के मशहूर लैंडमार्क में से एक है और ये पंजिम का सबसे पुराना चर्च है। गिरजाघर के सामने मदर मैरी की प्रतिमा है। इस चर्च को बहुत अच्छी तरह से परिरक्षित करके रखा गया है। कहते हैं कि यहाँ की चर्च बेल दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी घंटी है। नंबर 4, बलिस्का ऑफ बॉर्न जीजस। गोवा का यह चर्च सेंट फ्रांसिस जेवियर का समाधि स्थल है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को हर दशक में एक बार निकाला जाता है। 400 साल पुराना होने के बावजूद ये चर्च बहुत अच्छी स्थिति में है। नंबर 3, आर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन का चर्च। अपने गिरजाघरों के लिए मशहूर गोवा के ताज में एक प्रसिद्ध चर्च है। इस पुर्तगाली चर्च की स्थापना 1541 में हुई थी। ये चर्च यहाँ की जिगजैग सीढ़ियों की वजह से काफी लोकप्रिय है। यहाँ के पूजा घर का निर्माण पुर्तगाली नाविकों के धार्मिक जरूरतों को मद्देनजर रखकर किया गया था। यहाँ हर 8 दिसंबर को एक मेले का आयोजन भी होता है जब ये चर्च रोशनी से नहा जाता है। नंबर 2, दूध सागर वाटरफॉल, जो कि भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। जब इसकी 310 मीटर ऊंची चोटी से पानी नीचे गिरता है तो ये दूधिया रंग धारण कर लेता है, जिस कारण से इसका ये नाम पड़ा है। इस झरने के नीचे एक रेलवे पुल है जहां से जब कोई रेलगाड़ी गुजरती है तो दृश्य देखने लायक होता है। नंबर 1, यहाँ के बीच। और नंबर 1 जगह है यहाँ के बीचेस। यहाँ के तमाम बीचेस में से मुख्य बीच हैं बागा, कैलुंगेट, अंजुना, पोलेलम और अगोंडा। यहाँ कई स्थानों पर आप स्कूबा डाइविंग, बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा सकते हैं। समुद्री तट पर सैर करने का अपना एक अलग ही मजा है। अब जब आप जान गए हैं आप गोवा के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में, तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट के द्वारा बताएं। दूध सागर वाटरफॉल्स का नाम कैसे पड़ा? इस प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में छुपा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे आपको मिल सके वीडियो सबसे पहले।